तमाम खबरों पर। सिरोंज में लटेरी नगर परिषद अध्यक्ष मीराबाई का पुत्र नरेश सक्सेना अवैध हथियारों के साथ सिरोंज में पकड़ा गया। सिरोंज थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह डांगी ने बताया कि रात्रि 10 बजे जटाशंकर भोपाल मार्ग की घाटी पर एक सफ़ेद रंग की गाड़ी की तलाश लेने पर गाड़ी में से दो धारदार चाकू बरामद किए गए एवं नरेश सक्सेना एक कट्टा लिए हुए थे, जिसे पुलिस ने मौके पर जब्त कर आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। कार है सफ़ेद रंग की MP40CA7228 नंबर की, इसमें तीन व्यक्ति बैठे जा रहे हैं और इसमें कुछ हथियार रखे हुए हैं। सूचना पर हमने जटाशंकर महादेव मंदिर के सामने जो घाटी पड़ती है वहाँ इस गाड़ी को रोककर चेक किया, तो चेकिंग के दौरान हमें उसमें से दो धारदार चाकू, लोहे के चाकू मिले और एक 315 बोर का कट्टा मिला। इसमें जो गाड़ी चलाने वाला था वो लड़का विजय साहू लटेरी का रहने वाला है, इससे नाम पता पूछ के इसकी तलाशी ली तो इसके पास से एक चाकू मिला था। और पास में सीट में बैठा हुआ एक सुनील मीना, ये भी लटेरी का रहने वाला है, इससे भी एक चाकू, धारदार चाकू इसके पास से बरामद हुआ है। और वहीं एक नरेश सक्सेना लटेरी का है जो पीछे की सीट पर बैठा हुआ था, उसके पास से एक 315 बोर का कट्टा हमें बरामद हुआ है। इन तीनों व्यक्तियों को मौके पर से ये सारी चीज़ें जब्त करके लाइसेंस के संबंध में पूछ के, जब लाइसेंस नहीं होना बताया तो जब्त करके गिरफ्तार करके थाने पर आकर हमने इनके विरुद्ध धारा 25(25)(1)(a) आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध करके हिरासत में ले लिया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया। रात के कितने बजे ये लोग उधर? रात्रि करीब 10:30 के आसपास हुआ। ये लोग कहाँ से आ रहे थे और किस नियत से सोन में आए थे? देखिए, अभी पूछताछ इनसे की है तो इनका तो कहना था कि हम इनका कोई एक मित्र है तो उसके पास पार्टी मनाने के लिए आए थे। अब पार्टी में वो किस तरह का खाना या क्या करना चाहते थे इस संबंध में उन्होंने गोल गोल जवाब दिए। देसी कट्टा ये मिला ये चालू हालत में या चालू है? इसके साथ कुछ कारतूस वगैरह? कुछ कारतूस। ये जो लोग एक ही अपराध पंजीबद्ध किया है तीनों पे, अब पृथक पृथक है। ये नरेश सक्सेना जो बताया है ये तो पूर्व में भी लटेरी में एक 307 के मामले में पकड़ा गया था कुछ वर्ष पहले। लटेरी से आपराधिक रिकॉर्ड इसका प्राप्त करेंगे और उसको शामिल कर दिया जाएगा डायरी में, जहाँ भी जिन मामलों जिन थानों में इनके अपराध। इनको रिमांड वगैरह पे दिया जाएगा? नहीं, रिमांड। अगर आपको न्यूज इंडिया 4 चैनल की खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि न्यूज इंडिया 4 चैनल की सारी खबरें आप तक पहुंच सके। Also press this bell icon.